नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से शॉन बाइट्स पर शिवानी और शालिनी करते हैं वेलकम इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। प्यार का दिन, प्यार के तोहफों का दिन, प्यार जताने का दिन, प्यार से मनाने का दिन, रूठे हुए को भी मनाने का दिन, यानी सब कुछ एक ही दिन हो जाता है, इसको कहते हैं वैलेंटाइंस डे। कुछ लोगों का कहना है कि लव इज ऑलवेज अराउंड, तो एक दिन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइक डैड्स डे, मॉम्स डे, वैलेंटाइंस डे, लेकिन एक बहाना होता है आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में कुछ अलग से कर दिखाने का जो हम रोज नहीं कर सकते, तो एक दिन हमें निकालना पड़ता है कि हम वही उसी के बारे में सोचें जिसको हम प्यार करते हैं, उसी के लिए कुछ खरीदें जिसको हम प्यार करते हैं, उसी के बारे में हम सारी डे प्लान करें जिसको हम प्यार करते हैं। तो ऐसे ही प्यार के तोहफों का शो लेकर हम हाजिर हैं शॉन बाइट्स पर। आप हैं शिवानी और शालिनी के साथ और हमारे शोज आप इंजॉय करते हैं टोरंटो में मॉर्निंग सीना रेडियो पर। हम आते हैं 10 से 11 रेडियो शॉन के साथ और फिर आप हमें सुनते हैं फ्रॉम 2 to 3 ऑन FM 101.3 शॉन FM द म्यूजिकल पर। और आज हम थोड़े से ज्यादा डेक्ड अप लग रहे हैं क्योंकि आज का दिन ये डिमांड करता है कि आप कुछ थोड़ा अलग लगने चाहिए, थोड़ा अलग दिन है, दिन है जरा हटके। और लव स्टोरीज भी होती हैं जरा हटके, हमारी भी लव स्टोरीज हैं जरा हटके, आपकी लव स्टोरीज भी होंगी जरा हटके। और जरा हटके एक बहुत प्यारा सा, सबसे पहले आपको कोटेशन देंगे आज के शो की शुरुआत में, जो ये कहता है दैट व्हेन वी लव एंड आर लव्ड बाय अदर्स वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। यानी जब हम प्यार करते हैं किसी से या हमारी जिंदगी में प्यार होता है शिवानी, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी जिंदगी में भगवान आ गया है, प्यार को भगवान का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल शालिनी, और हमारा जो बॉलीवुड है उसकी भी बातें कर लेते हैं। बॉलीवुड भी वैलेंटाइंस डे में पीछे नहीं हटता, हमें लगता है बॉलीवुड में तो प्यार ही होता रहता है फिल्मों में, तो वैलेंटाइंस डे की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे जो बॉलीवुड के प्यारे प्यारे से स्टार्स हैं ना, दे आर वेरी बिजी, एक दूसरे से मिलने का वक्त नहीं मिलता, अपने स्पाउस से, अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से मिलने का वक्त नहीं मिलता, तो वो भी एक दिन निकाल लेते हैं और इंतजार रहता है उनको भी वैलेंटाइंस डे का। और 12 साल की शादी के दरमियान, यानी 12 साल की शादी को हो गए हैं ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार को, पहली बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया है ट्विंकल खन्ना ने। वाओ, नहीं तो अब तक कहते हैं कि उनको अवार्ड मिलते ही नहीं है, क्या बात है। लेकिन स्पेशल 26 में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद वो खड़े होके क्लैप करने लगी और उनको देख के उनके सारे फ्रेंड्स खड़े होके क्लैप करने लगे। और डेफिनेटली हम लोग ने मूवी देखी है, आपने भी अब तक तो देख ही ली होगी, बहुत ही अच्छा रोल है अक्षय कुमार का। और उनकी खासियत है शालिनी कि जब वो सीरियस एक बड़े एक सीधे साधे का रोल करते हैं तो वैसे ही गेटअप में नजर आते हैं, और जब वो हैप या खिलाड़ी टाइप का रोल करते हैं तो वैसे ही नजर आ जाते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी लव स्टोरीज दिखाई गई हैं शिवानी, कभी-कभी लव ट्रायंगल बनाया जाता है, कभी रेक्टेंगल बनाया जाता है, कभी कुछ ना कुछ बनता रहता है बॉलीवुड में, क्योंकि नई चीजों को ट्राई करने का नाम ही बॉलीवुड है। और बॉलीवुड की बात रही, प्यार की बात रही, तो शिवानी एक बहुत प्यारी सी शायरी, जैसा भी आपने मेंशन किया था, मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए हो जाए एक बहुत प्यारी सी प्यार भरी शायरी। बिल्कुल शालिनी, जावेद अख्तर साहब की ये बोल है और क्या लिखते हैं, ब्यूटीफुल। और उन्होंने लिखा है, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना, मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं, दिल में उम्मीद की 100 शमे जला रखी हैं, ये हंसी शमे बुझाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना। प्यार की आग में जंजीरें पिघल सकती हैं, चाहने वालों की तकदीरें बदल सकती हैं, तुम हो बेबस ये बताने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोई, मुझसे मिलने की अगर तुमको भी चाहत है कोई, तुम कोई रस्म निभाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। बहुत खूबसूरत शायरी है जो वैलेंटाइंस डे पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि सबकी उम्मीद होती है कि हमारा वैलेंटाइन डे हमारे पास हो, और सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए हमारे पास आने के लिए उस दिन आए। बिल्कुल सही बात है शिवानी, और दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, जिस्मानी तौर पर आप दूर हो सकते हैं लेकिन दिलों में आप हमेशा करीब रहने चाहिए। और बहुत सारी
सारी ऐसी बॉलीवुड की जोड़ियां हैं जो दिलों से बड़ी करीब हैं। ऑन स्क्रीन भी उन्होंने जोड़ी बनाई और ऑफ स्क्रीन भी जोड़ी बनाई। उसमें सबसे नया नाम जो शामिल हुआ है सैफ अली खान और करीना कपूर का शामिल हुआ है। इसे थोड़ा और पहले चला जाए तो इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही पहले चले जाए तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने प्यार को एक अंजाम तक अपनी लव स्टोरी पहुंचाई। इसके अलावा जया बहादुरी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को कैसे भूल सकते हैं, काजोल और साथ ही अजय देवगन की लव स्टोरी को कैसे भूल सकते हैं। काजोल से मुझे एक चीज याद आई शिवानी, जो बॉलीवुड में मोस्ट रोमांटिक जो जोड़ी है, कैन यू बिलीव किसका नाम है उसमें, शाहरुख खान एंड काजोल का। एक नया सर्वे हुआ था उसमें ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की जो सबसे ज्यादा रोमांटिक जोड़ी है वो शाहरुख खान एंड काजोल की है। अमेजिंग शालिनी, और 30 सालों के बाद आपको पता है कौन आ रहा है वापस? बिल्कुल, मुझे पता है कि कमल हसन के साथ आ रही है श्रीदेवी। राइट, कमल हसन एंड श्रीदेवी वापस एक साथ पेयर करने वाले हैं। सदमा में एक साथ दिखाई दिए थे दोनों और 30 साल के बाद दोनों फिर से सुनने में आया है कि एक साथ नजर आएंगे फिल्म में। और इंग्लिश विंग्लिश के से छा गई हैं और विश्व रूपम से कमल हसन को ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। क्या मतलब, क्या उन्होंने धमाल मचाया है इतनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, इतना जो भी कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ उसके बाद ही हैज बाउंस बैक और उन्होंने मतलब अमेजिंग, जितना भी कहा जाए उतना ज्यादा कम है और ये मूवी का इंतजार रहेगा। बिल्कुल शिवानी, कमल हसन की बात रही तो विश्व रूपम को कैसे भूल जाए। कई तरह के स्पेकुलेशन थे दैट ऑन द विश्व रूपम फिल्म 11-day ban इन तमिलनाडु वुड कॉस्ट कमल हसन बिटवीन 30 to 50 crore rupees। लेकिन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस हैव प्रूवन अदरवाइज। 100 crore का जो है क्रॉस कर लिया है आंकड़ा विश्व रूपम ने और काफी सारी कंट्रोवर्सीज रही। मैं ये कहूंगी कि कंट्रोवर्सीज दे वर्क इन द फेवर ऑफ द फिल्म और इसीलिए फिल्म को ओपनिंग डे में द फिल्म अर्नड मोर देन 5 crore rupees व्हिच इज अमेजिंग। अमेजिंग शालिनी, और बॉलीवुड की खबर चालू रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना अपन का जो बॉलीवुड है उसकी खबर ये है कि जो सलमान खान है वो अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, और शेरा के साथ बहुत अटैचमेंट है सलमान खान को, वो भी क्यों ना, क्योंकि उनके एकदम शेडो की तरह, उनके अक्स की तरह, साए की तरह रहते हैं साथ में शेरा, और उनके सन को वो लॉन्च करने वाले हैं। और 2014 में जो प्रेम है यानी जो सलमान खान वो एक और अपने जो पुराने वाले प्रेम है ना उनके गेटअप में वापस आने वाले हैं। सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के साथ वो स्टार बने थे और बड़े रोमांटिक से रोल में और बड़े सीधे साधे से लवर बॉय के इमेज से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन अभी जो उनकी फिल्में आई हैं वो एक के बाद एक मार धाड़ और एक्शन फिल्में हैं, लेकिन फिर से लोगों के जहन में ये कहीं ना कहीं एक चाहत है कि सलमान खान को उसी रोल में देखें और वो भी चाहते हैं कि मैं प्रेम के तौर पर वापस आऊँ एक बार। और हमेशा शालिनी मतलब जब भी मुझे वो बहुत पसंद आते हैं जब वो सीधे साधे होगा, अगर हम आपके हैं कौन अगर आप देखें या फिर हम साथ साथ हैं, हर एक में वो बड़े अच्छे से ओबीडियंट से बेटे बने हैं और एक अच्छे से आंखों ही आंखों में प्यार दिखाने वाले, शर्माने वाले, बड़े अच्छे लगे हैं और हमें इंतजार रहेगा उनकी। बिल्कुल इंतजार रहेगा और इसके साथ साथ इंतजार रहेगा आमिर खान की आने वाली फिल्म का। आमिर खान की जो आने वाली फिल्म है उसमें आमिर खान एक अलग तरीके के गेटअप में दिखाई देने जा रहे हैं। राजकुमार हिरानी की फिल्म जो पीके है दैट इज करंटली बीइंग शॉट इन राजस्थान एंड इसके आमिर खान के अलावा कई सारे और साथी कलाकार इस फिल्म में हैं। इनका जो फर्स्ट लुक आया है उसने काफी हल्ला मचा दिया है। आमिर खान जो है बड़े वियर्ड कॉम्बिनेशन में दिखाई दिए, एक ब्लेजर पहना है उसके नीचे इन्होंने घाघरा पहना हुआ है आमिर खान ने। ही लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और टिपिकल ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर में नजर आ रहे हैं आमिर खान। जब भी एक नई फिल्म आती है उस नई फिल्म के साथ ये एक नए गेटअप में नजर आते हैं आमिर खान और उस फिल्म का बड़ा इंतजार रहता है हम सभी लोगों को। ये सारी बॉलीवुड गपशप आप सुनते हैं हमारे रेडियो शोज में, सीना रेडियो पर आप सुनते हैं रेडियो शॉन मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 11 एंड ऑन FM 101.3 आप सुनते हैं शॉन FM द म्यूजिकल दोपहर में 2 to 3 के दरमियान मंडे टू फ्राइडे एंड राइट नाउ यू आर वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब शॉन बाइट्स पर। और हमने जो पिछली बार एक नया सेगमेंट शुरू किया था मिक्स इट अप विद शिवानी जिसमें बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज आपको बताई थी, उसका अमेजिंग रिस्पॉन्स आपकी तरफ से हमें आया है, थैंक यू सो वेरी मच। और आज वैलेंटाइन डे है, हम ये एपिसोड जिस दिन शूट कर रहे हैं आज 14 फरवरी का दिन है और हमारे दिल में भी बहुत सारा प्यार है,
आपके दिल में भी प्यार होगा। और कहा जाता है कि प्यार अगर आपको चाहिए तो उसका रास्ता जो है कहाँ से निकलता है, पेट से होकर जाता है। प्यार का रास्ता सीधे सीधे पेट से जाता है, पेट से जाता और है। प्यार की बातें करते हैं और आज ये बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस का बर्थडे है। आज से 80 साल पहले 80 ईयर्स बैक वो बॉर्न हुई थी मधुबाला जी। आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है जहाँ कहीं भी है और उनका आज बर्थडे है। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे टीवी स्टार्स हैं जिन्होंने 14 फरवरी को चुना शादी करने के लिए, जिसमें राम कपूर और गौतमी गाडगिल है। अच्छा। उनकी वाइफ गौतमी है राम कपूर की। दोनों में इतना डिफरेंस है हेल्थ हाइट में, फिजिक में। दोनों 14 को शादी हुई थी। मंदिरा बेदी एंड राज कौशल, दे गॉट मैरिड ऑन 14th of February। और संजय दत्त की पहली जो वाइफ थी, उसके बाद जो उनकी सेकंड वाइफ थी रिया पिल्ले, उन्होंने भी शादी 14th को की थी। तो कुछ कपल ने 14th को चुना शादी करने के लिए, और किसी एक्ट्रेस को डेस्टिनी ने भेजा 14 फरवरी को अपने एक्ट्रेस या सुपरस्टार बनने के लिए। और हमने चुना ऐसा सेगमेंट शुरू करने के लिए जो आपकी फरमाइश पे शुरू किया हुआ था, और लास्ट वीक पहला एपिसोड था जिसपे हमने मिक्स किया था कुछ खाने के टेस्ट को, खाने का पंच लगाया था अपने शॉर्ट बाइट्स में। आपको बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन प्यार से होने वाला है, बहुत प्यार से होगा। चलिए सीधे चलते हैं अपने किचन की तरफ और वहाँ आपके लिए पेश करते हैं मिक्स इट अप विद शिवानी। वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। आप हैं शालिनी और शिवानी के साथ शॉन बाइट्स पर मिक्स इट अप विद शिवानी, और ये सेकंड हमारा एपिसोड है। और पहला वाले में आपने इतना बढ़िया रिस्पांस दिया, ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, थैंक यू वेरी मच। और इसी से इंस्पायर होके हम ये वाला एपिसोड कर रहे हैं और वैलेंटाइंस डे है और हर तरफ आपको प्यार की झलक दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन रेड, रेड फ्लावर्स हैं, रेड हमारे कपड़े भी रेड में हैं, हम लोग भी रेड पहने हैं, आप लोगों के मूड भी काफी सारे रेड। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने कपड़े लाल नहीं पहने हैं तो मूड जरूर आपका रेड होगा, यानी प्यार वाला होगा। ये ट्रे सारी रेड है, कैंडल्स रेड है, और हम प्यार में एक डिजर्ट बनाने जा रहे हैं। जब प्यार की बात होती है ना तो डिजर्ट साथ में बैठ के खाना एक अलग ही एहसास देता है, तो इसलिए हम बहुत क्विक बनाएंगे आज की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए और साथ में आपके जज्बे को भी ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज जो हम बनाने जा रहे हैं एक डिश बनाएंगे शिवानी, उस डिश का नाम क्या है? उस डिश का नाम है कस्टर्ड विद अ ट्विस्ट। ओके, कस्टर्ड है इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके, ट्विस्ट इसलिए कि थोड़ा सा हमने पंच डाला है, फ्रूट का पंच डाला है। और फ्रूट की बात करते हैं तो कस्टर्ड में फ्रूट होता ही है, कोई नई बात नहीं है पंच डालना, लेकिन ये बिल्कुल नया सा पंच है। कैसा पंच है आपको मैं बताती हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ज्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं है आज हमारे, क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रीडियंट्स है, बहुत कम हेडेक के साथ आप ये वाली कुकिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमने मिल्क जो है वो बॉईल करने रखा हुआ है, और यहाँ पर मिल्क को हम बॉईल करने की कोशिश करें। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो क्या होगा शिवानी? शालिनी, सबसे पहले तो मैं ही बता दूं कि ये कैसी डिश बनने जा रही है। हम एक कस्टर्ड बनाएंगे, साथ में जेली बनाएंगे, और ये बनाना कस्टर्ड है और बनाना के ऊपर ही हम इसको सर्व करेंगे। इसमें मैंने फ्रूट्स थोड़े से काट के रखे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्रेसिंग के लिए, और ये बनाना कस्टर्ड है, तो ये जो ट्विस्ट है वो ये बनाना है, ये आपको पता चलेगा बाद में। और ये जेली हमने बनानी है, और शालिनी कस्टर्ड बनाने से पहले मैं आपको जेली बना देती हूँ। जेली में थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले से बना लूँ, और बहुत ईजी है। उसमें यह है कि आप 1 कप वाटर बॉईल करने रखें, और जब बॉईल हो जाए तो उसमें ये जेली, कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हैं, मैंने ये चेरी लिया है, आप इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, एनी फ्लेवर यू कैन चूज। और एक कप जब वाटर बॉईल हो जाएगा तो उसमें इसका जो पाउच का जो इंग्रेडिएंट है वो उसमें आप डाल देंगे और उसको स्टर करेंगे, और उसमें 1 कप कोल्ड वाटर डालेंगे। ओके, तो शाली इसमें बॉईल आ चुका है हमारे मिल्क में, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी ऐड किया है कि शुगर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, फॉर अ चेंज। इसमें आप ये कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, बड़ा क्रीमी सा टेस्ट आता है, आप जितना मीठा खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया है। जब ये अच्छे से बॉइल हो जाएगा हमारा मिल्क, तो हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे, बिकॉज ये बनाना फ्लेवर है, बनाना ट्विस्ट है, शाली कस्टर्ड भी हमने बनाना लिया है, और बनाना कस्टर्ड में हमने थोड़ा सा हम मिल्क ऐड करेंगे इसमें, और मिल्क ऐड करने के बाद एक इसको हम पेस्ट बनाएंगे इसका। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, लम्स नहीं, शाली बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, इसलिए आपको कॉन्टिन्यूसली इसको स्टर करना पड़ेगा। और देखिए आप इसमें क्रीमी जब तक कि पेस्ट नहीं बन जाता तब स्टर करेंगे, और यह ध्यान रखेंगे कि हमारा मिल्क जो है ये थोड़ा सा जले बॉइल हो जाए, और आप इसमें इसको आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये आप तुरंत देखेंगे थोड़ा सा
आपको लगता है कि कस्टर्ड थोड़ा सा भी हल्का है या फिर पतला है, तो आप इसमें और कोल्ड मिल्क में कस्टर्ड और ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है कस्टर्ड, और अब शिवानी क्या जानना चाहती हैं इसमें? अब आप चलिए जी शालिनी, अब वैलेंटाइंस का जो बुखार है, जो फीवर है, वो आपको इसमें बिल्कुल नजर आने वाला है। ये हमारा कस्टर्ड बन गया है, इसको हमने बिल्कुल चिल्ड कर लिया है, एकदम हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में ना रखें इसको, रेफ्रिजरेटर में रखें, और एकदम जब चिल्ड हो जाए तो हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमारे पास ये बनाना रखा है, जैसे हमने पहले रखा था, इसको हम स्लिट करेंगे बनाना को, और बीच से और ये ट्विस्ट है कि बनाना कस्टर्ड है और हमने बनाना के जो स्लाइसेस हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और बनाना के स्लाइस रखने के बाद हम इसको कस्टर्ड को इसके ऊपर डालेंगे। ओके, और इसको आप जितना कस्टर्ड खाएं आप इसको डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने जेली बनाई थी। अब हम इसके ऊपर फ्रूट्स अपने डालेंगे। ये मैंने इसमें पपाया और एप्पल और ग्रेप्स लिए हैं। आप इसमें जो पीच ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, या जो भी आप फ्रूट्स खाना पसंद करें या आपके बच्चे पसंद करें आप ले सकते हैं, सब टू यू। और फ्रूट्स जितने ज़्यादा खाएंगे अच्छा होगा। और बच्चों को शायद इसी फॉर्म में फ्रूट्स दे दिए जाएं तो दे वुड लव टू हैव इट। और लेकिन मैंने कस्टर्ड में कोई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, बिकॉज नीचे बनाना है पूरा और ऊपर सारे फ्रूट्स हैं, और उसके ऊपर ये हमारे केक डेकर्स हैं। वैलेंटाइंस डे है, जितना फैंसी करेंगे अच्छा लगेगा और जितना ग्लैमराइज करेंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि खुशी मिलती है, खुशी की कोई उम्र नहीं होती, खुशी हमेशा जवान होती है, क्यों शालिनी? बिल्कुल सही बात है, तो, और जब उसमें लाल रंग पड़ जाए, ढेर सारे कलर्स जब उसमें पड़ जाए तो बस फिर क्या बात है। हम इसको इसमें डालेंगे, और शालिनी का रेड कलर फेवरेट है, उन्होंने पहले ही अपना रेड कर दिया डेकोरेशन। हमने बनाना को यहाँ रखा है, दूसरा भी बनाना हमने यहाँ रख दिया। बिल्कुल, बस मैं फिनिशिंग टच देने में बहुत अच्छी हूँ, कुकिंग से ज़्यादा मैं फिनिशिंग टच दे सकती हूँ। तो शादी इसमें आप जेली लगा दीजिए। ओके, तो ये देखिए, जैसा आपने देखा कि वैलेंटाइंस डे है, जितना प्यार से सर्व करेंगे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक ही जगह पे सर्व करूं, क्योंकि प्यार में जब दो दिल खाना खा रहे होते हैं ना तो प्लेट एक ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक ही प्लेट में सब कुछ किया है कि किसी भी तरीके से सेपरेट ना दिखे आप लोग। तो अब जो हम डेकोरेशन करेंगे वो भी हम एक ही प्लेट में करेंगे, और इसमें हमने यहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल सी कैंडल्स लगा दी हैं, इसमें खूबसूरत सी कैंडल्स लगा दी है। और कैंडल्स लगाने के बाद शालिनी अभी भी इसमें बिल्कुल डेकोरेशन करके आज उसको ऐसा बना देगी कि बस खाने का बस दिल ना करे। और बस शिवानी, इसमें मैंने फ्रूट्स डाल दिए हैं, और अब इसके बाद मैं इसमें थोड़े से ग्रेप्स डाल दूंगी। ग्रेप्स डाल दे सकते हैं, और इसमें हम जो भी दूसरा कलर है उससे हम डेकोरेशन कर सकते हैं। आप इसमें ये डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, हमें जो समझ में आया हम वो डाल रहे हैं, या जो हमें पसंद है कलर्स। दिस लुक्स वेरी 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 टेस्टी एंड यम्मी, एंड दिस इज रेडी। और ये आप इसको चाहें तो छोटे छोटे स्पून से भी खा सकते हैं, फ्रूट्स खाने हो तो, और नहीं तो आप जो चाहें आप स्पून ले सकते हैं, अपने हिसाब से फैंसी बना सकते हैं। और साथ में इसमें हम एक ड्रिंक भी डालेंगे, क्योंकि ड्रिंक बहुत अहम रोल प्ले करती है खाने के साथ। और ड्रिंक्स में मेरे पास थोड़ा सा टमेटो जूस है, वेरी वेरी यमी डिश, रोमांटिक, वेरी परफेक्ट डिश फॉर अ परफेक्ट वैलेंटाइन कपल, आई वुड से। और कैसा लगा हमारा शो हमें जरूर लिख भेजिए, ईमेल कर सकते हैं info@shaunmedia.com, shaunmedia.com। अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी नए अंदाज के साथ। बिल्कुल, तब तक के लिए हम साइन ऑफ करते हैं, और अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे बहुत जल्द आपके पास एक नए एपिसोड के साथ। टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीक।
वी होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा मिक्स इट अप विद शिवानी के साथ, और आप जरूर ट्राई कीजिए ये जो आज हमने डिश बनाई है, अपने वैलेंटाइन के लिए जरूर बनाइए और हमें बताइए कैसी लगी। साथ ही आप अपनी टिप्स भी हमें भेजते रहेंगे। फिलहाल खाने के साथ कुछ पीना भी चाहिए और शिवानी के पास है एक बड़ी अच्छी सी मिरेकल ड्रिंक। ये शालिनी, और जैसा आपने कहा कि ये जो हमने अभी एक डिजर्ट बनाया था ये बहुत टेस्टी था, और वाकई में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे ये डिश बहुत टेस्टी बन जाती है, दैट्स ओके। लेकिन ये आपके ऊपर है, इसको और टेस्टी बनाया जा सकता है, और इसमें अगर आप अपना प्यार डालेंगे ना तो उसमें और टेस्टी बनेगा। जितना प्यार डालेंगे ना उतना और फैंसी लगेगा, उतना ग्लैमरस लगेगा, उतना टेस्टी लगेगा। लेकिन एक ड्रिंक ऐसी है जो बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी हम लोग आलसी बहुत है। अगर आज की डेट में कोई तली हुई ड्रिंक बताई जाती तो शायद हम सब ने ट्राई, लेकिन ये है तो नहीं ट्राई करेंगे, हमें पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करनी चाहिए। इट्स अ मिरेकल ड्रिंक, और इसमें कहा जाता है कि ये जो ड्रिंक है उसकी मैं आपको खूबियां बता दूं कि इससे क्या क्या चीजें दूर होती हैं। ये कैंसर को दूर करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स कैंसर सेल्स टू डेवलप, इट विल रिस्ट्रेन कैंसर सेल्स टू ग्रो। इसके बाद प्रिवेंट करता है लिवर, किडनी, पैनक्रियाज डिजीज, एंड इट कैन क्योर अल्सर्स एज वेल। और उसके बाद गुड फॉर द आईसाइट, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो है आपका जो काफी तरीके के जो पेन्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर करती है ड्रिंक। और ये ड्रिंक कैसी है ना आप बताएं, अब मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि सो सिंपल। अच्छा, उसके लिए आपको चाहिए एक कैरेट और एक एप्पल एंड एक बीटरूट। ये सिर्फ तीन चीजें चाहिए आपको, गाजर चाहिए, बीटरूट चाहिए जिसको हम चुकंदर कहते हैं, और एप्पल चाहिए। इन तीनों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, पील कर लीजिए, और उसके बाद इसको मिक्सर में इसका जूस निकाल लीजिए, और इमीडिएटली जैसे ही आप जूस निकालें इसको पी लीजिए, और एम्प्टी स्टमक आपको ये जूस पीना है। और रोज अगर आप एम्प्टी स्टमक ये जूस पियेंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर आपको ये सारे जो रिजल्ट है अमेजिंग रिजल्ट दिखने लगेंगे। बिकॉज कैरेट है तो आइस के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ बीट रूट है, एप्पल है, तो बस ये तीनों चीजें हैं, आप इसको मिला के पी लीजिए, ये बीमारियां दूर होती हैं। नहीं भी अगर दूर होंगी तो ये ड्रिंक बुरी नहीं है। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एंड इट्स ऑलवेज गुड। एब्सोल्युटली। और बीमारियों की बात रही तो हार्ट की बीमारी बड़ी कॉमन है शिवानी, लेकिन जब दिल लग जाता है, जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो बीमारी सब लगाना चाहते हैं। आज के दिन कितनों को बीमारी लगी है, बड़े लोगों को बीमारी लगी होगी। तो बीमारी मैं थोड़ा और इजाफा कर देती हूँ उसमें, और एक और बड़ा प्यारा सा कोटेशन मेरे पास है जो शेयर करना चाहूंगी अपने लिसनर्स के साथ। और ये कोटेशन कहता है, द हार्ट नोज नो डिस्टेंस, नोज नो टाइम वैल्यू, नोज नो लिमिटेशंस, नोज नो बाउंड्रीज, द हार्ट ओनली नोज वन थिंग एंड दैट इज लव। और दुआ करते हैं कि आपकी लाइफ में जल्द से जल्द कोई ना कोई प्यार जरूर शामिल हो जाए, ढेर सारे प्यार के साथ, ढेर सारी विशेस के साथ। हम लेते हैं आपसे अलविदा, फिर से जुड़ेंगे एक नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते, और तब तक के लिए हमसे आप बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल शालिनी, 416-569-7812, that's our Toronto number, 569-7812 पे हमें, या info@shawnmedia.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर चले जाएं, शॉन मीडिया पेज हमारा विजिट करें, SHON मीडिया, या ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/shalinidixit। बहुत सारे तरीके हैं हम तक पहुंचने के। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे एंड ग्रेट ग्रेट वीकेंड एंड अ ग्रेट ग्रेट वीक अहेड। हम मिलते हैं अगले हफ्ते, एंड अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन्स डे वंस अगेन।